टीवी 9 की टीम रूसी फ्रंटलाइन तक पहुंची। वहीं से संवाददाता मनीष झा की एक और खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये पूरा इलाका कुछ महीने पहले तक ये पूरी तरह से यूक्रेनी सेना के कब्जे में था और यहाँ 6-7 महीने तक भीषण लड़ाई हुई और भीषण लड़ाई के बाद तब जाकर रूसी सेना ने इसे अपने कंट्रोल में लिया। टीवी 9 के कैमरे पर आज आप उन्हीं एक्सक्लूसिव ऐसी तस्वीरें देख रहे हैं जो आज तक आपने शायद फिल्मों में भी नहीं देखी होगी। और इस रियल स्टोरी जो आप कैमरे पर अभी देख पा रहे हैं इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि बड़े बड़े गड्ढे कीचड़ और पानी के बीच से आगे बढ़ते हुए जब हम फ्रंट लाइन पर आगे बढ़ रहे हैं तो उस वक्त लगातार और आप देखिए जहाँ चारों तरफ ये सब लड़ाई के निशान हैं, ये सब जो बहुत सारी गाड़ियाँ हैं ये सब रूस और यूक्रेन के सैनिकों के बीच में जंग के दरमियान जो बहुत सारे गाड़ियों को नष्ट किया गया, टैंक को, तोप को या APC और दूसरे बख्तरबंद गाड़ियों को जो नष्ट किया गया वो सब यहाँ पर रास्ते में यहाँ पर टूटे पड़े हुए हैं क्योंकि यहाँ भयानक लड़ाई चली थी। 6-7 महीने की भयानक लड़ाई के बाद रूसी सेना को इस टेरिटरी पर कब्जा करने यहाँ पर देखिए सामने में नदी है, उस बीच में ये फसल लगी हुई है, फसल के बीच में से अब आगे बढ़ रहे हैं। मुझे बताया गया यहाँ पर जो फसल है इस फसल को उठाने में भी यहाँ मौजूद सैनिकों की बड़ी भूमिका है और इसी